should trust in us and we'll be champions. अगली कड़ी मैं आमंत्रित करता हूं एक हमारे शख्स हमारे बीच है, हम युवाई कहेंगे उनको, क्योंकि देखो कभी कभी बुजुर्ग नहीं होता, युवा होता है या भूतपूर्व युवा होता है। तो हमारे बीच ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा है जो काव्य गोष्ठी के लिए ना दिन देखे ना रहना आमंत्रित मैं उनको करता हूँ। वो हैं श्री ऋषि कुमार सक्सेना, आए और अपना काव्य पाठ करें। भूतपूर्व युवा श्री ऋषि कुमार जी सक्सेना। 72वां स्वतंत्रता दिवस आप सबको मुबारक हो। उसी कड़ी में श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मैं अपने भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को। हर आँख में आंसू थे, आसमां भी रोया था और राजनीति का वो मौन सपूत चिरनिंदा में सोया था। स्वतंत्रता दिवस के झंडे को जिसने झुकने नहीं दिया और मौत से अपनी एक दिन वो और लड़ लिया। ऐसा वीर सपूत देश का अटल था, अटल रहा, अटल रहेगा और जनमानस में अपनी छाप छोड़ गया। हर आंख में आंसू थे, आसमां भी रोया था, राजनीति का मौन सपूत चिरनिंदा में सोया था। अटल इरादा पोखरण का और विजय कारगिल युद्ध हुआ और 60 साल की राजनीति का देखो आज अंत हुआ। उन्हीं की चार लाइनें और दे रहा हूं, बस उसके बाद समाप्त करूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी की लाइनें है ये। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखूंगा मिटाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। धन्यवाद सक्सेना जी, आपने अटल जी की पंक्तियां सुनाई और अटल जी के भाव में ही। अटल जी के भाव कुछ इस तरह के थे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये अटल जी के भाव हैं, शब्द मेरे जरूर हैं पर भाव अटल जी के। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को। तो ऐसे हमारे अटल जी, उनकी हर पल पे हमको याद आती रहेगी।